जय हिंद दोस्तों देखो बच्चों आज आ, कोचिंग के अंदर फुल मॉक टेस्ट पेपर हो चुके हैं 32 सॉरी 33 हो चुके हैं तो इन सबका सॉल्यूशन की डिमांड आ रही थी सर इनका सॉल्यूशन करवा दीजिए एक बार तो मैं इन सभी पेपर का सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूं 33 फुल मॉक टेस्ट पेपर है और 150 के आसपास टॉपिक वाइज टेस्ट है तो मुझे यकीन आपने सब कर लिए होंगे अगर नहीं किए तो इनको जरूर कर लीजिए क्योंकि अब आपके पास टाइम उतना ही है सभी मॉक टेस्ट पेपर दे के जाइए फुल मॉक टेस्ट पेपर दे के जाइए प्रैक्टिस सेट दे जाइए टॉपिक टेस्ट देखे जाइए हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन होगा आपका वन फिफ्टी के आसपास टॉपिक वाइज टेस्ट है और लगभग थर्टी थ्री के फुल टेस्ट है, ठीक है तो इन सबका मैं सोल्यूशन भी करवा देता हूँ स्पीड से तो देखिये बच्चों क्वेश्चन कैसे करते हैं जहां पर रीजनिंग आए मैथ आए वहां पर करके देखेंगे जहां पर कंप्यूटर आएगा वहां पर उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और जहां पर जीके आएगी तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया देना है बाकी जीके आपकी अच्छी होगी मुझे विश्वास है क्लियर चलिए स्टार्ट करते हैं नाइनटी वन क्वेश्चन मैंने एक साथ लगाए नाइनटी के आसपास सिक्सटी बच्चे जो कर लेंगे इसके तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखिए आप पेपर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक बार देखिए इसको बच्चों दिए गए प्रश्न के संबंध में दो तर्क दिए गए हैं ये तय कीजिए कि प्रश्न के संदर्भ में कौन सा तर्क प्रबल है देखिए प्रबल तर्क का मतलब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि जो आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है उसी के हिसाब से आपको बताना क्या व्यक्तियों के देश प्लान करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए बच्चों एक चीज बताइए जो लोग है वो देश से बाहर जा रहा है तो यह आपसे पूछ रहा है क्या व्यक्तियों के देश पलायन करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए आप तर्क दे रहे हो देखिए हाँ दे रहे हो तो भी जबरदस्त होना चाहिए और ना दे रहे हो तो भी जबरदस्त होना चाहिए सबसे पहला पॉइंट तो ये आपने बोला हाँ लगा देना चाहिए प्रतिबंध लेकिन उसके पीछे का स्टेटमेंट कितना प्रबल है उसका आंसर उसके हिसाब से डिसाइड होता है मैंने अच्छे तरीके से आपको स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट में पढ़ा रखा है और खूब अच्छी प्रैक्टिस करवा रखी है क्लियर और बच्चों देखिए आप शेयर कर सकते हो आप इस क्लासेज को शेयर कर सकते हो लगभग नाइनटी क्वेश्चन में आपको इस तरीके के करवा के जाऊंगा लगभग आपके एक हजार क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे क्लियर और एक से डेढ़ घंटे में आपको करवा दूंगा लेकिन जितना हो सके शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए और आपके जो भी ग्रुप है उनके अंदर इस वीडियो को जाने दीजिए रोज साढ़े पांच बजे में क्लास लिया करूंगा फाइव थर्टी के ऊपर यूट्यूब के ऊपर पूरे थर्टी थ्री वीडियो जो टेस्ट पेपर है उनको सोल्व कराने की कोशिश करूंगा जितना हो सके यूट्यूब पे डालूंगा और बाकी जो बच गए उनको मैं एप्लीकेशन पे करवा दूंगा क्लियर चलिए स्टार्ट करते हैं क्या व्यक्तियों के देश प्लान करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए तो बच्चों एक कह रहा है हाँ एक बच्चे ने कहा हाँ लगा देना चाहिए ये फायदेमंद है क्योंकि इससे प्रतिभा के बाहर जाने पर प्रतिबंध लगेगा तो बच्चों ऐसे किसी के मानवाधिकार का आनंद नहीं कर सकते आप सबको बाहर जाने के छूट है कोई जाना चाहे तो जा सकता है वो किसी दूसरे देश की सेवा करना चाहे तो कर सकता है इसने बोला हाँ लगा देना चाहिए लेकिन इसकी जो अप्रोच है वो नेगेटिव है बच्चों क्योंकि इससे प्रतिभा के बाहर जाने पर प्रतिबंध लगेगा ये गलत है किसी को आप रोक नहीं सकते बच्चों क्योंकि तो ये तर्क उसने बोला हाँ तो ये कोई मजबूत नहीं है नहीं प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह जहां जाए जहां चाहे वहां रहे ये बिल्कुल सही है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड केवल तर्क सेकंड ही प्रबल है क्योंकि देखिए किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते जिसको जहां जाना है वहां पर वो जा सकता है ये उसका अधिकार है तो इसने बोला नहीं प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को बाहर जाने का अधिकार है क्लियर तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा केवल तर्क सेकेंडरी परबल है यह आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर कौन सा थ्री क्लियर मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा फिर अपन आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं अजय शर्मा कह रहा है सर चार नंबर सही है नहीं गलत है चार नंबर इसका आंसर आएगा थ्री केवल तर्क सेकेंडरी परबल है आपको स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट आने चाहिए अगर आपको स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट नहीं आते तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे याद रखिए मैं एक मिनट में आपको समझा देता हूं इस टॉपिक का सार इतना सा है आप हां बोल रहे हो तो भी पिक्चर नेगेटिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए और नहीं बोल रहे हो तो भी पिक्चर नेगेटिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए क्लियर सर साफ दिखाई नहीं दे रहा है अब इससे साफ तो क्या दिखाई देगा साफ दिखाई दे रहा है आपकी क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए बाकी तो साफ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कंसिडर देंग्राम बिलो एंड ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे दिए गए पर विचार करें ये है, इस पर विचार करो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो एक, -एक लाइन को अंडरलाइन कीजिए बच्चों बहुत फायदा होगा बहुत ज्यादा फायदा होगा नीचे दिए गए वेन आर एक् पे विचार करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो उन लड़कियों की कुल संख्या को दर्शाता है जो खिलाड़ी और नर्तकी दोनों है पहले तो लड़की चाहिए तो लड़की तो यही है बच्चों बच्चों वो लड़की जो खिलाड़ी है जो प्लेयर है और क्या है डांसर है तो बच्चों इन इनमें कौन कौन है लड़कियां लड़कियों में ये आ जाएगा बच्चों डांसर होनी चाहिए तो डांसर के अंदर ये चलेगा ये चलेगा ये दोनों खत्म हो गए और बच्चों क्या होनी चाहिए प्लेयर भी होनी चाहिए, चाहिए तो सिक्स नंबर आ जाएगा सेवन खत्म हो जाएगा बच्चों वेन डायग्राम मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है अगर उसके क्वेश्चन देखे हैं तो वहीं से क्वेश्चन लिया गया है एक बार जरूर देखिएगा क्लियर नेक्स्ट चलिए मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठी है मैथ है कंप्यूटर है जीके है सभी मैं कवर करा रहा हूँ कोशिश करना इस क्वेश्चन को देखिए ए बी सी डी ई e, एफ जी सात छात्र केंद्र के सामने एक वृत्ताकार टेबल के आसपास बैठे हैं वृत्ताकार टेबल तो वृत्ताकार टेबल आपकी ये हो गई बच्चों कितने लोग हैं सबसे पहले तो दिमाग में लाइए सात लोग हैं एक दो तीन चार पांच छ सात सबसे पहले लोकेशन आपको सेट करनी है बच्चों जी डी के बाई और दूसरा है जी जी बी के के डाई जी, डी के बाई और दूसरा है तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रखिए मैंने आपको अरेंजमेंट पढ़ा रखा है और मैंने आपको कहा है मैथ बनाना सीखिए तो ये क्या है जी डी के बाई और दूसरा है याद रखिए सबको हम उस सेंटर की तरफ है तो ये कह रहा है ए बी सी डी ई e, एफ जी सात छात्र केंद्र के सामने एक वृत्ताकार टेबल के आसपास बैठे हैं जी डी के बाई और दूसरा है जी डी के बाई और दूसरा है और ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है यहां पर इंग्लिश में पढ़ लो अगर कहीं कंफ्यूजन है तो जी सेकंड टू तो द लैपटॉप डी एंड एंड वर्ड हमेशा किसके लिए आता है एंड इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एंड एफ तो ये वर्ड हमेशा फर्स्ट के लिए आया है याद रखिए एंड किंतु परंतु लेकिन कॉमा, ये सब फर्स्ट के लिए आता है डब्ल्यू एच वर्ड हमेशा सेकंड से के लिए आता है कब जब ये स्टेटमेंट अधूरा है तो बच्चों एंड किसके लिए आया जी के लिए जी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एफ जी है इमीडियट ने e का भी पड़ोसी है और जो जी है वो एफ का भी पड़ोसी है क्लियर पड़ोसी है बच्चों तो ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है. G है, वो e और का पड़ोसी है तो इसका मतलब ये बन सकता है ये इधर और ये इधर भी आ सकता है क्लियर तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं क्या कह रहा है क्वेश्चन जी है वो ई e और एफ का पड़ोसी है तो जी ई e और एफ का पड़ोसी है तो बच्चों ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं ये इधर ये इधर हो सकता है नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों डी इज इमिडियट द इमीडिएट नेबर नेबर ऑफ ऑफ सी 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 एंड ई ई ई डी इज द इमीडिएट और और का पड़ोसी नहीं है कौन डी तो बच्चों क्या बनाएंगे इसको सी है वो डी का पड़ोसी भी नहीं है और सी है वो ई e का पड़ोसी भी नहीं है क्लियर तो एक मैथ आपकी ये बन गई कि जो सी है वो तो ना डी का पड़ोसी है ना सी है वो ई e का पड़ोसी है नेक्स्ट ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी ए है वो बी और सी का इमीडिएट है।, है वो बी और सी का इमीडिएट है बच्चों ये इंटरचेंज हो ए है वो बी और सी का इमीडिएट ने इमीडिएट ए बोथ तो ई e और ए का इमीडिएट नेबर कौन है ये क्वेश्चन पूछा है ई e और ए का इमीडिएट नेबर कौन सा है देखिए इनमें कोई फिक्स मैथ तो है नहीं केवल तो फिक्स मैथ तो आपकी ये है आपके पास एक में दो में तीन में तो चार मैथ रखिए क्लियर अगर मैं इसके इसके हिसाब से चलूं क्योंकि ये फिक्स नहीं है ये भी नहीं है और वो भी फिक्स नहीं है मैं इसके हिसाब से चलता हूं तो जी स्पेस यहाँ पर क्या आ जाएगा डी पहली मिनट आपकी खत्म हो गई कि जी है वो लेफ्ट में किसके डी के कौन सा अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है ई और एफ मेरे को ई और एफ तो ई और एफ इधर भी हो सकता है ई और एफ इधर भी हो सकता है और ई और एफ इधर भी हो सकता है क्लियर है बच्चों क्योंकि जी का इमीडिएट नेबर है ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए अब बच्चों क्या कहना चाह रहा है यहां पर क्या कह रहा है समझने की कोशिश करना बी ए सी ये तीनों साथ साथ है तो बी ए सी बच्चों यहीं पर तीनों साथ साथ होंगे क्योंकि और तो कोई लोकेशन बची नहीं यहाँ पर ई e और एफ आ जाएगा यहाँ पर जी और डी आ जाएगा तो बी ए सी ये साथ साथ होंगे तो बी ए ए यहीं पर बैठेगा बी और सी इंटरचेंज कर सकते हैं क्लियर ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए बच्चों ये मैथमेटिक्स मै, बनी इनको समझने की कोशिश करना अब बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बैठ गया जी ओ डी बैठ गया ए जी एफ बैठ गया अब चलिए यहां से आ जाइए सीओी पड़ोसी नहीं है तो सी ओडी पड़ोसी नहीं है तो ये तो नहीं बैठेगा बच्चों तो इसका मतलब इधर क्या बनेगा सी और इधर क्या बनेगा बी सी और बी बनेगा और यहां पर क्या बनेगा ए ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए अब चलिए अपना क्वेश्चन है कि सी सी और और डी डी पड़ोसी नहीं है तो सी यहाँ नहीं आएगा सी इधर आएगा तो बी इधर चला जाएगा अब आ जाइए सी और ई e पड़ोसी नहीं है तो ई e यहाँ नहीं बैठेगा ई e यहां आ जाएगा और एफ यहां आ जाएगा क्लियर ये मैथमेटिक्स बनी मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए अब क्या पूछ रहा है ई और एप का निकटतम प... हाँ। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था ई और ए का पड़ोसी कौन है तो ई और ए का पड़ोसी कौन है ई तथा ए, ए दोनों का पड़ोसी कौन होगा ई तथा ए दोनों का पड़ोसी कौन होगा ई एरा और ए एरा ई और ए का पड़ोसी कौन होगा तो ई और ए का पड़ोसी कौन होगा बच्चों अभी तो यहां तक कुछ है नहीं इसका मतलब क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई है एक बार चेक करो बच्चों ई और ए का पड़ोसी कौन होगा E और A का पड़ोसी e और A का पड़ोसी कौन होगा सी <coughs> और ई e पड़ोसी नहीं है तो सी और ई e पड़ोसी नहीं है तो इसका मतलब इधर, e इधर होगा, और ए इधर बी सी इधर होगा बिल्कुल सही है ये तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हुई है हु द इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड ए बोथ ई और ए का इमीडिएट नेबर कौन है तो बच्चों अभी तो कुछ बता नहीं सकते एक बार और चेक कर लेते हैं एक बार और देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन जी इज सेकंड टू दैपटॉप डी जी इज सेकंड जी, मतलब जी। इज इमीडिएट या तो यहाँ होना चाहिए था वर्ड कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर बाकी तो सही है क्वेश्चन तो वही मैथ है और देख लेंगे अपन क्लियर एक बार चेक कीजिए क्या आंसर बन रहा है इसका एग्जाम तो बच्चों इक्कीस जनवरी को होगा कन्फर्म है इक्कीस जनवरी को होगा या तो यहाँ एच वर्ड होना चाहिए था हु तो हु के हिसाब से ये फटाफट हो जाता हु का मतलब डी डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एफ क्लियर चलो लास्ट में और देख देख लेंगे इसको ना तो देख लेते हैं हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो तो अपन दूसरा डायग्राम बना के भी देख लेते हैं देखिए मेरे को लग रहा है ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है एंड की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए डब्ल्यू एच वर्ड होना चाहिए था तो चलिए उसको भी करके देख लेते हैं अपन एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन समझना क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ जी आर सेवन स्टूडेंट सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ डी जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी यही मैथमेटिक्स बनेगी नेक्स्ट यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड ले लेते हैं तो हु हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एफ हु मतलब कौन डी डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एफ ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है नेक्स्ट इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड ई तो ये तो नहीं बन सकता ये तो नहीं बन सकता इसका मतलब क्वेश्चन वही सही था एंड वाला ही सही था लेकिन एक बार और बना लेते हैं यहाँ पर एंड को सही कर देते हैं थोड़ी देर के लिए एक बार वापस बना के देखते हैं एबीसीवन स्टूडेंट सिटिंग अराउंडर टेबल फेसिंग देंटर जी इज सेकेंड टू दैपटॉप डी बिल्कुल सही है एंड जी इज द इमीडिएट ने इमीडिएट पड़ोसी है कौन जी तो ये इधर ये इधर भी हो सकता है ठीक है डी नोट द इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड ई जो डी है वो e सी पड़ोसी, e पड़ोसी नहीं है ठीक है A उप, B C. A कहां गड़बड़ है इसमें हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड ए बोथ चलो इसमें एक मैथमेटिक्स बिल्कुल क्लियर है कौन सी ये वाली तो ये लीजिए मैंने क्या जी स्पेस डी ये क्लियर हो जाएगा ठीक है ये मैथमेटिक्स के बाद ये खत्म बच्चों हाँ जी अब जी का पड़ोसी ई और एफ है तो जी का पड़ोसी ई और एफ ऐसे हो सकता है तो ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं इधर और इधर ठीक है देखेंगे अब बच्चों बी ए सी अब बच्चों एक लोकेशन दो लोकेशन तीन लोकेशन चार लोकेशन फिक्स हो गई तो बी ए सी केवल यही आएगा और तो कोई इलाज है ही नहीं तो बी ए सी कैसे आएगा तो ए यहाँ आएगा बी और सी अपनी लोकेशन को बदल सकते हैं इधर और इधर ठीक है ये आपस में अपनी लोकेशन को बदल सकते हैं ठीक है ए का फिक्स हो गया ए यही आएगा नेक्स्ट तो बच्चों ये पूरा खत्म ये भी पूरा खत्म ई जी एफ भी पूरा खत्म ठीक है डी और सी पड़ोसी नहीं है तो बच्चों सी फिर यहाँ नहीं आएगा क्योंकि डी कन्फर्म है जी कन्फर्म है ए कन्फर्म है तो यहाँ पर क्या होगा बी और यहाँ पर क्या होगा बच्चों सी यहाँ पर हो जाएगा बी यहाँ पर हो जाएगा सी क्योंकि सी और डी पड़ोसी नहीं है अब डी और ई भी पड़ोसी नहीं है डी और ई पड़ोसी नहीं है तो ई यहाँ नहीं जाएगा ई यहाँ नहीं जाएगा कन्फर्म कर लो ई यहाँ नहीं जाएगा ई यहां नहीं जाएगा क्योंकि डी और ई e पड़ोसी नहीं है तो ई e इधर ही रहेगा एफ इधर जाएगा क्लियर अब पढ़िए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ई e और ए e का पड़ोसी कौन है ई e और ए e का पड़ोसी सी है क्लियर शायद मैंने वहां मैथ गलत बना दी थी, थी यहां पर बच्चों आ, सी ये डीई था डीई था यहां पर डीई था क्लियर तो ये मैथ गलत बन गई थी मेरे से इसलिए थोड़ा टाइम लग गया लेकिन बच्चों रटके नहीं आना अपन को कंसेप्चुअल समझना मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा क्लियर है नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उठाइए कोई दिक्कत नहीं बच्चों टोटल स्टूडेंट कितने बच्चे 25. उसमें एक लड़के की रैंक कौन सी है दस ठीक है लेते हैं तो टोटल तो कितना हो गया ट्वेंटी एट हो गया ठीक है तो उसकी एक रैंक कम हो जाती है अब बॉयज की रैंक कितनी हो जाती है नाइन नाइन मतलब ऊपर से नौ no नंबर बच्चे हो गए ऊपर से नो रैंक किसकी है नवी रैंक किसकी है तो नीचे से कौन सी रैंक होगी ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इज इज न्यू रैंक फ्रॉम द लास्ट तो बच्चों एक चीज बताइए रैंकिंग से आया हुआ क्वेश्चन क्वेश्चन है आपको समझना होगा कौन सा कहां से आया तो ये क्वेश्चन कहां से आया रैंकिंग से आया बच्चों टोटल कितने स्टूडेंट है अट्ठाइस उसमें से इसका नंबर शुरू से नौ है तो पीछे से इसका नंबर क्या होगा तो बच्चों एक बार बताइए इसका इसका टोटल करके एक कम करते हैं तो ट्वेंटी आता है तो एक काम करो आप इसको एक बढ़ा के ट्वेंटी नाइन में से नाइन कम कर दो कितना आ ट्वेंटी तो इसके पीछे की रैंक क्या है बच्चों ट्वेंटी तो इसके पीछे की रैंक ट्वेंटी आ जाएगी क्लियर क्या ये क्लियर है आप सब लोगों के एक बार कमेंट कर दो थोड़ी स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि एक पूरा फुल मॉक टेस्ट पेपर है फुल मॉक टेस्ट पेपर वन ये पूरा मेरे को ही कराना है इसलिए स्पीड से चल रहा हूँ मैं लेकिन ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए क्वेश्चन कैसा है टोटल पच्चीस स्टूडेंट थे तो वो की रैंक टेन थी तीन स्टूडेंट और आ गए तो टोटल स्टूडेंट हो गए ट्वेंटी एट और बॉयज की रैंक एक ड्रॉप हो गई एक कम हो गई इसका मतलब बॉयज की रैंक नाइन हो गई इसका मतलब ये हो गया बच्चों की अट्ठाईस बच्चों की क्लास में अट्ठाइस बच्चों की क्लास में अट्ठाईस अट्ठाइस बच्चों की क्लास में उसके ऊपर से रैंक क्या है नाइन्थ तो पीछे से रैंक क्या है तो बच्चों याद रखे इसका इसका टोटल करके एक कम करते हैं तब ये आता है और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि इसको एक ज्यादा ट्वेंटी नाइन ले लीजिए उसमें से नाइन कम कर दीजिए स्टार्टिंग की रैंक तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी हो जाना चाहिए क्लियर है बच्चों यहां तक समझ में आना चाहिए याद रखिए मैंने पूरी रीजनिंग आपको अच्छी तरीके से रखा है। पूरा डी आई पूरा कंप्यूटर साइंस लगभग लगभग कंप्लीट करवा रखा है और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए शेयर करते रहिएगा क्लियर नेक्स्ट चलिए अब ये कैसे करते हैं ये मैंने पूरा बता रखा आपको यहाँ केवल मैं आइडिया दूंगा किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे हंड्रेड परसेंट गारंटी क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं निन्मे से कौन सा मेन एक निम्नलिखित वर्गो के मध्य संबंधों को सही दर्शाता है शेर बाघ पशु अब बच्चों पशु वो होते हैं जिसके चार पैर तो सबको पता है ये भी पशु है ये भी पशु है तो पशु ये बन गया ये लीजिए पशु हो गया अब शेर ये हो गया बाघ ये हो गया शेर अलग है बाघ अलग है तो बच्चों ऐसा आंसर कौन सा आपका डी मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों दोनों ही पशु के अंदर आएंगे शेर भी बाघ भी लेकिन दोनों अलग अलग है क्लियर है बच्चों नेक्स्ट

मेज पकता है या ओवन में पकता है या चाकू में पकता है या टोस्टर में पकता है तो बच्चों कॉमन सी बात है जो केक है यानी खाना बनाने के लिए किसका यूज किया जाएगा ऑफ दीज विल बी टू बेक केक तो बच्चों ओवन का यूज किया जाएगा और ओवन को क्या कहते हैं चाकू कहते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा चाकू मतलब इसको ये कहते हैं इसको ये नहीं कहते और खाना बनाने में ओवन काम में लेंगे अपन तो उसका आंसर क्या जाएगा चाकू क्लियर यहां तक आपके सामने आ जाना चाहिए नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को देखिए आप अब क्वेश्चन बच्चों वही है आपका स्टेटमेंट देख लेते हैं तर्क पर कक्षा बारह की गई पता है अभी ने बारहवीं के गणित के सब्जेक्ट में थोड़ा सा सिलेबस में परिवर्तन किया और सिलेबस को कम कर दिया क्यों किया तो बच्चों ये तर्क है और ये क्या है अनुमान है यानी अजंक्शन तो बच्चों क्या अनुमान लगाया गया उनके द्वारा जिन्होंने कम किया तो बच्चों छात्र पहले की तुलना में गणित में अधिक अंक लाएंगे अधिक अंक लाने के लिए यह अनुमान नहीं लगाया गया बच्चों बच्चों के ऊपर स्ट्रेस है स्ट्रेस है गणित के तनाव बोझ को कम करने के लिए यह किया गया तो बिल्कुल सही है सेकंड बिल्कुल सही है अभी एनसीआरटी ने सबका सिलेबस कम किया उसके पीछे का रीजन यह बच्चो है बच्चों के ऊपर जो स्ट्रेस है बच्चों उसको कम करने के लिए ऐसा कदम उठाया है क्लियर यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए ऐसे नहीं कि बच्चों के मार्क्स कम आने चाहिए इसलिए कम कर दिया या ज्यादा आने चाहिए इसलिए कम कर दिया ये कोई अनुमान नहीं है Clear? ये मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है एक बार जाके देखिए पैटर्न को समझो पैटर्न क्या कहना चाह रहा है क्लियर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मैं चलिए इसको इंग्लिश इंग्लिश में ले लेता हूं आ... हाँ जी पहले अपन थोड़ा सा इंग्लिश में इसको देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन तो फोर फ्रेंड्स अमन समेन मोहन एंड राकेश आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर टेबल एंड ऑल आर फेसिंग द सेंटर देखिए बच्चों चार लोग हैं चार लोग हैं चार लोग हैं और कहां बैठे स्क्वायर टेबल में बैठे हैं और फेसिंग द सेंटर ये लीजिए इस तरीके से बैठे और कहां बैठे हैं बच्चों कॉर्नर पे तो फोर फ्रेंड अमन अमन है रेणु है मोहन है और राकेश है ठीक है कोई दिक्कत नहीं आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर टेबल एंड ऑल आर फेसिंग द सेंटर ठीक है इतना डायग्राम आपका बन गया ओनली टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन अमन एंड रेणु तो अमन और रेणु के बीच में केवल दो लोग हैं एक तो अमन है और एक रेणु है तो रेणु को आर ही कर दिया मैंने और राकेश को मैं आर्य कर दूंगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं क्लियर कि कितने बच्चे कितने बैठे हैं दो अमन और रेनू के बीच में दो है अब ये इधर इधर भी हो सकता है सबको पता होना चाहिए राकेश इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ मोहन राकेश इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ मोहन तो राकेश राकेश ये है, राकेश ये मोहन के इमीडिएट राइट right में क्लियर बच्चों राकेश मोहन के इमीडिएट राइट right में ये कन्फर्म मैथमेटिक्स है मैंने जब सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया था मैंने कहा था मैथ बनाओ तो तो पुट कर दो ये कन्फर्म मैथ है वो कन्फर्म मैथ नहीं है क्योंकि ये और ये बंदा इधर इधर हो सकते हैं तो राकेश इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ मोहन ठीक है इफ अमन इज सिटिंग इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ मोहन अमन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मोहन तो ये लीजिए यहां पर ए आ जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब अच्छो कह रहा है अमन तो टोटल टो लोग चार है और अमन और रेणु के बीच में दो लोग हैं तो अमन और रेणु के बीच में इधर तो नहीं हो सकते क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो कंफर्म है रेणु इधर ही होगी ये भी कंफर्म हो गया बच्चों रेणु इधर ही होगी ताकि दो लोग हो जाए ये बैठी गया ए फिर ये एम ये राकेश आ रे और ये क्या रेणु मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए क्लियर है बच्चों यहाँ पर अरेंजमेंट हुआ अब बच्चों वो कहना चाह रहा है कि कथन निश्चित रूप से सत्य है अमन मोहन के विकंड बैठा हुआ है अमन और मोहन एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट है अमन और मोहन तो ये तो बिल्कुल ही गलत है अमन सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू रेणु अमन सिटिंग इमीडिएट डायगोनली अपोजिट टू रेणु ये भी बिल्कुल गलत है अमन सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू रेणु गलत है राकेश इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू मोहन राकेश डायगोनली अपोजिट टू मोहन ये भी बिल्कुल गलत है रेणु इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू मोहन तो रेणु मोहन के डायगोनली अपोजिट है बिल्कुल सही है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी क्लियर है बच्चों अच्छे क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है आ सकते हैं आपके इनको ध्यान रखिए आप भी आंसर दे सकते हो नेक्स्ट सभी ये क्वेश्चन कहां से आया ये क्वेश्चन आया आपके मिरर इमेज से तो मिरर इमेज का एक बिल्कुल कंसेप्ट है मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है जिसने भी अंबिका का कोर्स ले रखा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी और अंबिका से ऐसे तो सिलेक्शन होते नहीं है कि एक दो पांच छह हो जाए अंबिका से अब पंद्रह बच्चे हैं तो ऐसे सिलेक्शन होते हैं सात का हो गया आठ का हो गया क्लियर ये तुमने टीचर में भी देखा होगा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पर तो बच्चों उसके अंदर मैंने ये सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं आप एक बार बताइए जब आप मेरा इमेज बनाते हो तो जो दूर है वो दूर है जो पास है वो पास है तो कॉमन सी बात है बच्चों जब अपन इसको बनाएंगे तो ये ट्रायंगल बिल्कुल बीच में यहाँ पर बनेगा यहाँ से चल के यहाँ पर बनेगा क्लियर है बच्चों एक चीज आपके दिमाग में आना चाहिए ये जो लाइन है ये लाइन ये लाइन ये लाइन यहाँ से निकलेगी और बच्चों इधर की तरफ जाएगी इधर की तरफ जाएगी ये लाइन यहाँ पर है ये लाइन यहाँ पर हो जाएगी तो ऐसा कोई पैटर्न है क्या देखते हैं अपन तो बच्चों देखिए यहीं पर आ जाता है क्योंकि ये चीज को यहाँ पुट करके देखना है अपन को नीचे मी रह तो नीचे पुट करके देखना है तो जो पास है ये ये पास है फिर बच्चों ये दूर ये बन गया दूर फिर ये यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है फिर बच्चों ये पूरा है लेकिन ये वाली लाइन गायब है इसका मतलब फर्स्ट तो गलत है क्योंकि फर्स्ट में ये वाली लाइन गायब आपकी ठीक है कोई दिक्कत नहीं सेकंड को उठाइए सेकंड में ये, है, ये, भी, है, ये भी है ये भी है ये लाइन भी है ये भी है ऊपर ये भी है, है तो बच्चों ये ये वाला 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 पार्ट पार्ट भी भी है 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 और इधर तो सेकंड सेकंड बिल्कुल सही सही तो डायग्राम ही नहीं है और ये वाले में बच्चों ये बिल्कुल सही है ये बिल्कुल सही है ये, ये यहाँ की वजह ये वाला पोर्सन इधर बनेगा ये वाला पोर्सन इधर बनेगा ऐसा बनना चाहिए था तो डी भी गलत है तो फटाफट देख के अपन बता सकते हैं कि भाई क्या गड़बड़ है याद रखिए मैंने आपको मिरर इमेज का कंसेप्ट बताया था कि ये ए बी है अगर इसको मिरर के अंदर अपन देखते हैं तो बच्चों ये पहले बनेगा बी और जो मिरर की तरफ है वो मिरर की तरफ रहेगा जो मिरर से दूर है वो मिरर से दूर रहेगा ये पूरा कंसेप्ट आपको पता हो जाना चाहिए क्लियर क्लियर है नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखिए अब बच्चों क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है प्रोसेज इज इन ए रेडी स्टेट तो बच्चों एक बार बताइए प्रोसेस की जब बात आए रेडी स्टेट की बात आए

जब वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है तो आंसर क्या हो जाता है टर्मिनेट और ये स्टेट मैंने अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रखी है जबरदस्त लेवल पे मैंने पढ़ाई है डेटा का संचरण ऐसे होगा न्यू का मतलब है हार्ड डिस्क से रेम के अंदर डेटा का आना बच्चों क्लियर न्यू का मतलब है हार्ड डिस्क से रैम के अंदर डेटा का आना रेडी का मतलब यह है आपका नंबर लगना सीपीयू के पास आपका नंबर लग चुका है रन का मतलब सीपीयू के पास पहुंच जाना बच्चों वेट का मतलब है आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए या किसी पेरिफेरल की जरूरत है तो आपको वेट करना और बच्चों प्रोसेस प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया तो उसको खत्म कर देना को खत्म कर देना क्या हो जाता है टर्मिनेट पहला काम ये होता है दूसरा काम ये होता है तीसरा काम ये होता है चौथा काम ये होता है लेकिन लास्ट का काम ये होता है ध्यान रखिए हो सकता है वेट करना ही नहीं पड़े डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाए तो याद रखिए ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है तो क्वेश्चन है प्रोसेस प्रोसेस इज इन ए रेडी स्टेट तो प्रक्रिया एक तैयार स्थिति में होती है रेडी 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 स्टेट इसका मतलब क्या है इसको सीपीयू का टाइम चाहिए सीपीयू के पास जाने के लिए इसका नंबर लग चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम इसका नंबर लग, लगा चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसकी प्रायक को फिक्स कर दिया कि आपको पांचवें नंबर पे जाना है इसको बोलते हैं रेडी स्टेट क्लियर सेकेंडरी से उठा उठा के सेकेंडरी से उठा उठा के सेकेंडरी से उठा उठा के बच्चों सेकेंडरी से उठा उठा के प्राइमरी के अंदर लाना ये लीजिए प्राइमरी मेमोरी के अंदर लाना ये होता है न्यू न्यू और बच्चों जब यहाँ पर आ जाते हैं

कि इनके बाद आपका नंबर है तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा फर्स्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए क्या क्या आंसर आएगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन को समझो कहना चाह रहा है तो आपके नंबर आएंगे अगर आपके यही समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है तो आपके नंबर नहीं आएंगे मेरे हिसाब से अभी तक का क्लियर है क्लियर है बच्चों तो याद रखिए सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी के अंदर जो डालना वो न्यू कहलाता है अब बच्चों न्यू जो प्रोसेस है वो रेडी होगा तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम उनको क्या करेगा नंबरिंग देगा कि ठीक है, है, है तो बच्चों रेडी कहलाता है। अब वो के पास जाएगा तो जा क्लियर के के लिए। अब मान लीजिए कोई एग्जीक्यूट हो रहा है रन हो रहा है अब उसको लगा कि मेरे को प्रिंटर चाहिए मेरे को स्कैनर चाहिए तो बच्चों CPU उसको रखेगा नहीं उसको भेज देगा वेटिंग स्टेट में भेज देगा और वहां पर वो प्रिंटर और स्कैनर का काम करके वापस स्टेट में आ जाता है ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए जब पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो गया तो क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाता है तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि क्या कह चाह रहा है तो बच्चों नेक्स्ट तो आगे बढ़ते बच्चों इस को देखिए विच लेयर इन प्रोवाइड द डेटा ट्रांसफर इन फ्रेम तो बच्चों एक बार बताइए क्वेश्चन को समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रतिरूप में कौन सी प्रत्य ढांचे के रूप में प्रसारण लिंग की ओर से डेटा स्थानांतरण प्रदान करती है अब ये हिंदी इतनी जबरदस्त होती है कि ये क्वेश्चन में नहीं आती तो बच्चों अपन क्या करें थोड़ी सी इंग्लिश ही पढ़ लेते हैं तो विच लेयर पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो एक एक के नीचे अंडरलाइन लगाना सीखो लेयर इन द मॉडल प्रोवाइड द डेटा ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम अक्रॉस द ट्रांसमिशन लिंक सबको पता है बच्चों कौन कौन सी लेयर होती है ओ एस आई मॉडल में यहाँ पर फिजिकल लेयर होती है बच्चों यहाँ पर डेटा लिंक क्लियर होती है यहाँ पर आपकी नेटवर्क क्लेयर होती है यहाँ पर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है यहाँ पर, पर, पर सेशन लेयर होती है या प्रेजेंटेशन लेयर होती है या एप्लीकेशन लेयर होती है इन तीनों में डेटा को डेटा कहा जाता है या फिर मैसेज कहा जाता है मैसेज बच्चों ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा सेगमेंट में ब्रेक होता है किसमें सेगमेंट सेगमेंट और यहाँ पर जो डेटा है वो पैकेट बनाता है क्या बनाता है पैकेट और यहाँ पर जो डेटा है वो फ्रेम बनाता है फ्रेम और यहाँ पर जो डेटा होता है

यहां तक आपके समझ में आ गया होगा क्लियर है बच्चों कोई भी अगर आपका डाउट है तो भी आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर उस क्वेश्चन में ऐसा क्यों था तो वो क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया था और उस क्वेश्चन का मकसद केवल इतना सा था कि प्रोसेस प्रोसेस का मतलब प्रोसेस रन स्टेट में सॉरी प्रोसेस रेडी स्टेट में इससे आप क्या समझते हो कि भाई उसको सीपीयू मिलने वाला है सीपीयू में जाने से पहले उसकी नंबरिंग लग चुकी है क्लियर सर ट्रांसपोर्ट लेयर में ग्राम भी होता है क्या तो देखिए डेटाग्राम क्या होता है तो डेटाग्राम सकते हो आप डेटाग्राम लेकिन बच्चों ये UDP जब देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम होता है कनेक्शन बनाना या तो वो कम्युनिकेशन करेगी या फिर वो कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करेगी तो जब वो कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन करती है तो उस समय डेटाग्राम बनते हैं बोलते हैं इनको सेगमेंट ही है लेकिन सेगमेंट भी दो तरीके से परफॉर्म करते हैं कैसे एक तो ये बच्चों देखिए आपको उदयपुर से जयपुर जाना है तो एक तो आप एक रोड के सारे सारे पहले रोड फिक्स कर लीजिए और फिर उस रोड के ऊपर सारी ट्रक को भेज दीजिए और एक ये तरीका है कि सारे के सारे ट्रक को बोल दिया गया कि अपन जयपुर मिल जाएंगे राम निवास गार्डन के अंदर वहां इकट्ठे हो जाएंगे और वहां सीरियल वाइज बन जाएंगे एक ये तरीका है उसको बोलते हैं यूडीपी तो यूडीपी कनेक्शन कम्युनिकेशन के अंदर डेटा वो अलग अलग पास से आ जाते हैं और जब रिसीवर होता है वहां पर जाके अरेंज होते हैं तो यूडीपी के कंसेप्ट के अंदर सेगमेंट को डेटाग्राम कहा जाता है क्लियर यहां तक आपके समझ में आ जाना आनेक्शन लेस यूडीपी बनाता है बिल्कुल सही है 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 कौन बनाता और जब अपन बात करें किसकी कनेक्शन ओरिएंटेड तो सबको पता है, जो मैसेज होते हैं मैसेज डिलीवर होते हैं वो कनेक्शन ओरिएंटेड है टीसीपी कम्युनिकेशन के थ्रू वहां पर काम होता है एक बार इनको देखना पड़ेगा बच्चों टीसीपी यूडीपी मैंने इतना भयंकर तरीके से समझाया इनको देखना पड़ेगा एक महीने की तैयारी में तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है मात्र एक महीने की मेरे वीडियो देख लो मेरे वीडियो देख लीजिए एक मंथ की तैयारी में आपका हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन हो जाएगा आपके जितने भी क्वेश्चन है उनके अनुसार अगर मैं मैं देने लगा तो एक एक में एक एक क्वेश्चन में घंटा लग जाएगा मैं पर आपको केवल बता सकता हूं कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है क्योंकि बच्चों यूडीपी टीसी में चले गए तो आप सबको पता है दो प्रोटोकॉल है यूडीपी और टीसीपी जो ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल है और बच्चों ये कम्युनिकेशन करवाने के लिए जरूरी है अब कम्युनिकेशन भी दो तरीके का होता है एक तो होता है बच्चों आ, एक तरह कनेक्शन ओरिएंटेड और एक होता है कनेक्शन लेस जो कनेक्शन ओरिएंटेड है वो टीसीपी है और जो कनेक्शन लेस है वो यूडीपी है और फिर बच्चों टीसीपी यूडीपी के अंदर बहुत सारी चीजें है क्लियर लेकिन आप इन सब के लिए यहां पर नहीं देख के आप वीडियो देख लीजिए मेरे डले हुए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों विच टोपोलॉजी रिक्वायर द मोस्ट अमाउंट ऑफ वायरिंग तो सबसे ज्यादा वायरिंग किस में चाहिए बच्चों टोपोलॉजी में, में चाहिए टोपोलॉजी में, में क्या होता है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होता है बच्चों एक सेंडर और एक रिसीवर डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं और डायरेक्टली डेटा ट्रांसमिट करते हैं और बच्चों कितना वायर चाहिए अगर एन एन डिवाइस है एन डिवाइस है तो आपको वायर चाहिए N, N -1 2. N, N -1 2. इतना आपको वायर चाहिए क्लियर कितना वायर चाहिए कितना पोर्ट चाहिए सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है याद रखिए तो मेष टोपोलॉजी है याद रखो स्टार को स्टार टोपोलॉजी को अपन हब हब हब

तो जो हब है वो ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है कौन सा काम करता है ब्रॉडकास्ट क्लियर जो लेकिन जो स्विच होता है वो मेक एड्रेस के ऊपर काम करता है जो स्विच है वो डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है हब है वो फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है मैंने बहुत सारा आपको समझा रखा है ये डम्प डिवाइस है ये इंटेलिजेंट डिवाइस है जो स्विच है वो तीनों काम करता है यूनिकास्ट मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट क्यों क्योंकि मेक एड्रेस के थ्रू डेटा का कम्युनिकेशन करता है याद रखिए यूनिकास्ट मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में से भी क्वेश्चन आ जाता है मान लीजिए पांच लोग हैं पांच लोग है ये व्यक्ति सबको भेजता है उसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं ये व्यक्ति केवल एक को भेजता है एक को भेजता है तो उसको यूनिकास्ट कहते हैं और ये व्यक्ति किसी ग्रुप को भेजता है ग्रुप को भेजता है इस ग्रुप को भेज दिया तो इसको मल्टीकास्ट कहते हैं क्लियर बच्चों तो स्विच के अंदर तीनों काम होते हैं यूनिकास्ट मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट यहां तक आपकी क्लियर हो जाना चाहिए नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए ये क्वेश्चन आपके आ चुका है क्लियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बच्चों अरेंज द फ्लोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिक ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से आपको जमाना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन ब्लो लेकिन कैसे अरेंज द एनोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिक बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है सबसे छोटा लैन होता है आप सबको पता है लैन से बड़ा मेन होता है मेन से बड़ा वैन होता है क्लियर है एक क्वेश्चन है

और वैन का मतलब क्या हो गया बी तो सी ए भी आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट चलिए में से कौन सा सर्च इंजन है तो बच्चों गूगल एक सर्च इंजन है याहू भी है अल्ट्राविस्टा भी है उपरोक्त सभी बच्चों क्लियर तो डी यानी उपरोक्त सभी आपको मैंने खूब पढ़ा रखा है दुनिया के सारे सर्च इंजन आपको बता रखे हैं तो सर्च इंजन बच्चों गूगल गूगल की अगर बात करें तो 1998 के अंदर यह आया था क्लियर है गूगल तो याद रखिए क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है याहू कब आया था तो याहू 2004 के अंदर आया था कब था, तो के अंदर था, क्लियर जो कंटेंट को ढूंढने का काम करती है, उनको क्या है सर्च इंजन सर्च इंजन आर दावरफुल्स क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट चलिए इसको फोड़ो विच ऑफ दू टू क्रिएट वेब पेज तो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए क्या जरूरी है तो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए एचटीएमएल जरूरी है को क्या तो वेव पेज। वेव पेज को क्या कहना चाह रहा है है बच्चों करने के के लिए जरूरी बिना कोई पेज नहीं बन सकता ये point आपके दिमाग में रख लेना एल ढांचा बनाती है और सी एस एस ढांचे को मतलब बढ़िया बनाती है और जावा स्क्रिप्ट बच्चों यूजर टाइप यूजर यूजर की तरफ क्या करती है स्क्रिप्टिंग का, का काम करती है और जो पी है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का काम करती है तो ये याद रखना इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं एच टी एम एल किसने डेवलप की कब डेवलप की सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है टीम बनने ने डेवलप की थी बच्चों यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है क्लियर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को देखिए एफ टीपी क्या है यहाँ पर एफटीपी आपका प्रोटोकॉल है यू आर एल क्या है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब हर एक वेबसाइट का एक नाम होता है जिसका अपन क्या कहते हैं यू आर एल यू आर एल के कितने पार्ट होते हैं तो यू आर एल के चार पार्ट होते हैं सबसे पहला क्या होता है प्रोटोकॉल होता है दूसरा क्या होता है प्रोटोकॉल के बाद डब्ल्यू होता है तीसरा क्या होता है बच्चों प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल फिर www. फिर इसके बाद क्या होता है यूजर नेम होता है यूजर नेम होता है और फिर क्या होता है बच्चों टॉप डोमेन होता है डोमेन डोमेन नेम होता है डोमेन नेम होता है तो ये याद रखिए एक यूआरएल के अंदर ये सारी चीजें होती है प्रोटोकॉल जैसे एच या फिर एच फिर बच्चों जो भी है आपका डब्लू डब्ल्यू डब्लू डॉट अंबिका क्लासेज डॉट कॉम अंबिका क्लासेज अंबिका क्लासेज क्लासेज क्लियर तो बच्चों ये क्या हो गया? आपका, 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 तो आपका प्रोटोकॉल हो गया तो बच्चों याद रखिए तो यू आर एल ये भी एक प्रोटोकॉल ही है ध्यान रखिए ये भी एक प्रोटोकॉल है क्लियर ये ये कहता है कि दुनिया के जितने भी वेबसाइट है वेब पेज है उन सबका कलेक्शन है उन सबके कलेक्शन में से आप अंबिका क्लासेज नाम का Uh, क्या ढूंढ रहे हो अंबिका क्लासेज नाम का वेब पेज ढूंढ रहे हो बच्चों हर वेब पेज का नाम अंबिका क्लासेज है पूरी वेबसाइट का नाम अंबिका क्लासेज है इनका पाथ जो होता है वो अलग होता है डोमेन के बाद एक चीज और आती है क्या पाथ तो याद रखिए प्रोटोकॉल हो गया डब्ल्यू तो प्रोटोकॉल में ही आ गया यूजर नेम हो गया डोमेन हो गया और एक क्या हो गया पाथ सभी वेब पेज का पाथ अलग अलग होता है लेकिन सभी वेब पेज का यूजर नेम सेम ही होता है ये आप जाके वेब टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ सकते हो वेब टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने जबरदस्त तरीके से पढ़ा रखा है एक बार उसको देखना HTTP क्या है तो हाइपर टी ट्रांसफर प्रोटोकॉल है बच्चों ये क्या करता है याद रखिए एस टी टीपी एच टी टीपी हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल है बच्चों एस टी एमएल जो टेक्स्ट होते हैं उनको लाने और ले जाने का काम करता है क्लियर हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर ये बोलिए कि इसके बिना इसके बिना इसके बिना आप वेबसाइट के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि वेबसाइट का जो निर्माण हुआ है वो एस में हुआ है

तैयारी एक बार भी डेढ़ महीना है आपके पास डेढ़ महीना है मैं गारंटी लेता हूं एक महीने में आपकी तैयारी हो सकती है एक महीने में आपकी तैयारी हो सकती है मेरे कई अकॉर्डिंग चलिए वीडियो देख लीजिए एक बार वीडियो देख के जाइए मिलेंगे अभी बिहार के मेरे पास नाइनटी सेवन स्टूडेंट थे सबकी जॉब लग गई सबकी जॉब लग चुकी है कंप्यूटर टीचर के हजार बच्चे थे पांच अभी जॉब कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं आपको भी मैं कह रहा हूं कोई लेट नहीं हुआ इक्कीस जनवरी को कंफर्म आपका एग्जाम हो जाएगा कोई लेट नहीं हुआ आप बस तैयारी करना स्टार्ट कीजिए आपका हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन होगा बिल्कुल सिलेक्टिव वीडियो बना रखे हैं उनको जरूर देखिए एक बार कोर्स कोर्स को देख लीजिए रिवीजन को नहीं देखना है मध्य कोई दिक्कत नहीं कोर्स कोर्स को देख लो आपका काम हो जाएगा Next, आगे बढ़ते हैं तो यू के कितने पार्ट है तो यू के चार पार्ट है प्रोटोकॉल होता है यूजर नेम होता है डोमेन नेम होता है पाथ होता है क्लियर और इन सब के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों को देखिए हाउ आर द वर्ल्ड वाइड वेब एंड द इंटरनेट डिफरेंट बच्चों वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट कैसे अलग है तो बच्चों दे आर नोट डिफरेंट ये तो गलत है बच्चों डब्ल्यू 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 अलग चीज है इंटरनेट अलग चीज है इंटरनेट क्या है देखो बच्चों डब्ल्यू 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 का मतलब यह है कि दुनिया के जितने भी वेब पेज बने उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यू 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 जो ये कहते हैं कि अपन आपस में इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज कर लेंगे क्लियर है बच्चों उनको कहते हैं डब्ब्यू डब्ल्यू 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 एक तरीके से सर्टिफिकेट है डब्ल्यू 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 का मतलब ये देखो बच्चों तीन चार चीज होती है समझना एक होता है बच्चों एस टी एम एल डॉक्यूमेंट एस टी एम एल डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ठीक है जो एस टी एम एल डॉक्यूमेंट है ये आपने एस टी एम एल में आ, प्रोग्रामिंग करके अपने कंप्यूटर में रख रक रखे हैं लेकिन जैसे ही अपन यूजर डोमेन लेते हैं डोमेन लेते हैं किसी सर्वर के ऊपर किसी सर्वर के ऊपर जब अपन डोमेन लेते हैं स्पेस लेते हैं होस्टिंग करते हैं क्या करते हैं होस्टिंग करते हैं तो बच्चों वो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है वो है डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब एक वेब पेज मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर आपकी वेबसाइट के अंदर दस वेब पेज है कितने वेब पेज है दस तो जो दस वेब पेज है उनको डब्ल्यू डब्ल्यू सर्टिफिकेट मिल चुका है तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये दस वेब पेज दुनिया के किसी भी वेब पेज के साथ क्या हो सकता है डेटा को इंटरचेंज कर सकता है अपनी इंफॉर्मेशन को साझा कर सकते हैं लेकिन इंटरनेट क्या है तो इंटरनेट एक फिनोमिना है इंटरनेट एक फिनोमिना है कनेक्शन का डिवाइसेज के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए इंटरनेट चाहिए तो दो चीज अलग अलग है डब्ल्यू 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 का मतलब जितने भी सर्वर है सर्वर के ऊपर वेब पेज है वो सब आपस में डेटा का आ, क्या कर सकते हैं आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं ये है डब्ल्यू 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 और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सर इंटरनेट क्या है तो इंटरनेट से तो बच्चों दो डिवाइस जुड़ रही है उससे डब्ल्यू 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 का क्या लेना देना है क्लियर है बच्चों इंटरनेट इंटरनेट अलग चीज है डब्ल्यू 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 अलग चीज है क्लियर सर टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन करो देखो ये टाइम नहीं है ये फुल मॉक टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन है हम भी कहा क्लासेज में बत्तीस फुट फुल मॉक टेस्ट पेपर हुए हैं तो बच्चों उनके सॉल्यूशन में आपको करवा रहा हूँ आज से फर्स्ट क्लास स्टार्ट की है रोज का आधा आधा पेपर में सोल्व कराऊंगा डेढ़ सौ क्वेश्चन का पेपर होता है सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव क्वेश्चन में डेली करवा के आपको जाऊंगा ठीक है बच्चों तो दे आर नो डिफरेंट गलत कह रहे हो भाई डब्ल्यू और इंटरनेट तो डिफरेंट है डब्ल्यू 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 इज कॉमन एरिया ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज बिल्कुल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का कॉमन एरिया है सही है एंड इंटरनेट इज कनेक्शन अमंग बिल्कुल सही है बच्चों द इंटरनेट इज प्राइमरी बिजनेस गलत है बच्चों इंटरनेट का प्राइमरी यूज बिजनेस में नहीं किया गया आपस में कम्युनिकेशन के लिए किया गया द डब्ल्यू डब्ल्यू इज फास्टर देन द नहीं बच्चों डब्ल्यू डब्ल्यू कोई फास्टर थोड़ी है ये तो बच्चों एक फिनोमिना है एक कंसेप्ट है क्लियर पूरा का पूरा मेटेरियल मैंने अपने एप्लीकेशन के ऊपर डाल रखा है एक बार देखना क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं

आगे बढ़ते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए व्हाट इंडिकेट द कंटेंट इन फाइल इन एचटीएमएल व्हेन डिलीवर्ड ऑन द नेटवर्क ठीक है नेटवर्क पर विकृत होने पर क्या दर्शाता है कि फाइल में सारांश एचटीएमएल है देखिए बच्चों बच्चों एक चीज आपके दिमाग में रखना है इनके आंसर देने का एक ही तरीका व्हाट इंडिकेट द कंटेंट इन द फाइल इज एचटीएमएल व्हेन डिलीवर्ड ऑन द इंटरनेट आपको क्या बताएगा तो बच्चों द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल एस टी एम एल में भी होगा तो मान लीजिए आपके कंप्यूटर के अंदर ये लिखा मैंने कोई फाइल है उसका एक्सटेंशन लगा हुआ है ये ये है कि ये फाइल HTML की फाइल की लेकिन बच्चों कंटेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताता कंटेंट के बारे में कौन बताएगा कंटेंट के बारे में एडर बताएगा क्लियर है इतना याद रखिए किसी फाइल का एक्सटेंशन डॉट है तो इसके अंदर का कंटेंट क्या है ये कोई भी नहीं बताएगा ये कोई भी नहीं बताएगा ये आपको पता होना चाहिए ये ये बताएगा ये फाइल HTML फाइल है है मतलब इसकी कोडिंग में की गई ठीक है।, है तो फिर बताइए वो ये पूरा कंटेंट कौन बताएगा आप किताब लिखते हो किताब में बच्चों नीचे सारांश लिखा होता है तो उसको बोलते हैं फुटर है, है, तो वो यही कह रहा है कि व्हाट इंडिकेट इन द फाइल इन एचटीएमएल व्हेन डिलीवर्ड ऑन द नेटवर्क तो कंटेंट बताने के लिए बच्चों कंटेंट है Clear content header होता है तो आपका बच्चे के ये 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 के आ जाते हैं इस क्वेश्चन को लेने का मतलब file, HTML. HTML तो ये ये का मतलब भी यही था अरे तो केवल बताएगा जो है है वो इसके बारे में कुछ नहीं बताएगा कंटेंट बताने के लिए कंटेंट टाइप हेडर होते हैं क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं फ्लोइंग मल्टीमीडिया टेक्स्ट बेस्ड फीचर ऑफ फुट नोट्स एंड क्रॉस रेफरेंसेज और एसेसिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्लियर अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके सामने आ जाएगा करें स्टार्ट अब बच्चों बींग बींग माइक्रोसॉफ्ट का है बिल्कुल सही है माइक्रोसॉफ्ट का है अगर आपको ज्यादा एक्स्ट्रा कोई चीज पूछनी है तो आप टाइप कर सकते हो मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा बींग किसका है बच्चों माइक्रोसॉफ्ट का है.

जर्नलाइज द कंसेप्ट ऑफ फुटनोट एंड क्रॉस रेफरेंसेज फॉर एसेसिंग टेक्सट डॉक्यूमेंट क्लियर तो बच्चों आई पेक्स्ट है क्या है वो ये कहना चाह रहा है तो निम्बली में से कौन सी मल्टी मीडिया पाठ आधारित विशेषताएं पाठ दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए फुटनोट और क्रॉस रेफरेंस की अवधारणा सामान्यकरण करती है तो याद रखिए फुट नोट क्रॉस रेफरेंस इनको यूज कौन करता है हाइपर टेक्स्ट क्लियर तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना पहले क्वेश्चन को समझो जब तक क्वेश्चन नहीं समझ आएगा आप कुछ नहीं कर सकते टेक्स स्टाइल आप सबको पता है टेक्स स्टाइल क्या होता है तो टेक्स्ट स्टाइल का मतलब होता है आप जो टेक्स्ट है उनको स्टाइल दे सकते हो जैसे स्टाइल का मतलब उसको आप इटालियन कर जो भी इटालियन शेप दे सकते हो किसी और तरीके की शेप दे सकते हो बोल्ड दे सकते हो इटालिक दे सकते हो टेक्स्ट सर्च अलग चीज है लेकिन वो क्या कह रहा है

मैंने काफी कुछ पढ़ा रखा है इसके बारे में देखिए अनिल है डिसाइड टू यूज आइदर आई डीवीडी आर डब्ल्यू और डीवीडी आर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट दिस स्टोरेज डिवाइस देखो बच्चों अनिल है डिसाइड मैंने आपको बताया था डीवीडी भी तीन तरीके की होती है एक तो कौन सी बच्चों डीवीडी रोम होती है डीवीडी रोम और एक क्या होते हैं डीवीडी आर डीवीडी आर होती है और एक क्या होता है डीवीडी आर डब्ल्यू होती है क्लियर ये सब अलग अलग रोम के अंदर आती है डीवीडी रोम जिसकी प्रोग्रामिंग यूजर कर ही नहीं देती है और बच्चों, बच्चों कर ही नहीं सकता इसकी प्रोग्रामिंग पहले से ही होकर आती है कंपनी करके देती है इसको बोलते हैं डीवीडी रिकॉर्डेबल रिकॉर्डेबल मतलब एक बार यूजर प्रोग्रामिंग कर सकता है यूजर केवल एक बार प्रोग्रामिंग कर सकता है लेकिन बार बार इसको फॉर्मेट नहीं किया जा सकता और इसको होता है रीराइटेबल

तो राइट मैनी रीड मैनी तो सी डी सी डी आर डब्ल्यू का दूसरा नाम ये बच्चो CD है बच्चों इसको कहते कहते हैं हैं या रोम आपके क्लियर हो जाना चाहिए अब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई इन दोनों में खतन सही है तो दोनों डीवीडी आर और डीवीडी आर डब्ल्यू में केवल पढ़ सकते हैं तो गलत है बच्चों डीवीडी आर डीवीडीआर का मतलब इसमें भी डाला जा सकता है केवल एक बार और इसमें कई बार डाला जा सकता है तो केवल पढ़ सकते हैं या गलत है इनको राइट भी किया जा सकता है ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है नेक्स्ट चलिए डिवीडी आर पे एक बार लिखा जा सकता है एक बार लिखा जा सकता है Recordable ये बिल्कुल सही है, है।, है? है।, है। सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है ये गलत है क्लियर इसके ऊपर एक बार लिखा जा सकता है इसके ऊपर कई बार लिखा जा सकता है याद रखिए इसका आंसर आ जाएगा बी एंड सी क्लियर तो इसका आंसर बी आपका बन जाएगा यहां तक अगर क्लियर है अभी तक मैंने कितना क्वेश्चन करा दिया आपको ट्वेंटी थ्री के आसपास सारे यूनिक क्वेश्चन है अगर आपको लग रहा है कि हमारे समझ आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए एक बार कमेंट कर दो बच्चों और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए और बच्चों एक एक क्वेश्चन मैंने देखो आपको वीडियो तो देखना पड़ेगा बच्चों और ऐसे तो क्या समझ में आएगा क्योंकि क्वेश्चन करने से नौकरी नहीं लगती हाँ लेकिन ये जो लेके आया हूं मैं ये उनको 100 100 बेनिफिट देगा 99 नहीं बोल रहा 100 जिन्होंने एक बार मेरे वीडियो देख रखे हैं एक बार मेरे वीडियो देख रखे हैं उनको 100 परसेंट बेनिफिट होने वाला है क्यों होने वाला है क्योंकि एक एक क्वेश्चन उनके दिमाग में सेट हो रहा होगा पहले क्वेश्चन लो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है अंडरलाइन कर करके पढ़ो अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है तो अंडरलाइन करके वापस पढ़िए हो सकता है आपको लगे कि दो ऑप्शन सही है अंडरलाइन कीजिए फिर उसको पढ़िए इस तरीके से आपको चलना होगा आपका काम हो जाएगा मॉक टेस्ट पेपर कर लीजिए अगर मेरे सारे वीडियो देख लिए मॉक टेस्ट पेपर कर लीजिए आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा कुछ भी नहीं करना क्लियर नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए इन कंप्यूटर ग्राफिक्स इज मिरर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने ग्राफिक्स आपको डाल दिया है ग्राफिक्स आप जरूर देखिएगा इन कंप्यूटर ग्राफिक्स इज मिरर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए बच्चों किसी इमेज की किसी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज क्या है बच्चों क्लियर मिरर इमेज क्या है तो चलो ठीक है एक बार देखते हैं देखो रोटेशन क्या होता है तो किसी ऑब्जेक्ट को घुमाना किसी डिग्री के ऊपर घुमाना तो ये तो मिरर इमेज नहीं है बच्चों किसी भी चीज की क्योंकि ये तो किसी रोटेशन पे घुमाना होता है ग्राफिक्स के मैंने आठ वीडियो आपको डाल रखे हैं लेकिन हाँ यूपीएलटी इनको मैंने पूरा ग्राफिक्स पढ़ा रखा है तो मिरर इमेज इन से क्या आना चाहिए रोटेशन रोटेशन इज मिरर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट गलत है कुछ डिग्री के ऊपर इमेज होती है मिरर इमेज होती है ठीक है अब बच्चों ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन बच्चों होता क्या है कि इधर का ऑब्जेक्ट को आपको इधर लेके जाना है थोड़ा बहुत इधर इधर सेट करना है क्लियर तो वो ट्रांसलेशन भी नहीं है तो याद रखिए रिफ्लेक्शन इज मिरर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ये पॉइंट याद रखना और ऐसे भी हिंदी वर्ड से भी आप समझ जाओगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखिए है, ग्राफिक्स में कुछ क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं थोड़ा हिंदी अनुवाद ढंग से देखना तो रिफ्लेक्शन इज मिरर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट नेक्स्ट इन कंप्यूटर ग्राफिक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इज आर ठीक है तो ट्रांसफॉर्म transform करना ट्रांसफॉर्मेशन तो बेसिक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन अब पता चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ओनली ट्रांसलेशन ओनली रोटेशन लाइन बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन तो बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है इधर से रोटेट करके इधर लेके जाना और इधर से इधर लेके जाना तो so, बच्चों जब ऐसे लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं रोटेशन उसको क्या कहते हैं रोटेशन उसको कहते हैं रोटेशन और ऐसे जब जाते हैं उसको कहते हैं ट्रांसलेशन तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन क्लियर किसी चीज को स्ट्रेट लीनियर लेके जाना ट्रांसलेशन किसी चीज को घुमाना क्या कहलाता है रोटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों है तो आंसर क्या हो जाएगा डी ये पॉइंट आपके दिमाग में हो जाना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है परिवर्तित करना बच्चों रूप होना चाहिए लेकिन उसका परिवर्तन हो जाना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन अरविंद सर है लेकिन अच्छे कपड़े पहन के आगे वो ट्रांसफॉर्मेशन है तो ऐसे रोटेट होना रोटेशन कहलाता है ऐसे चलना ट्रांसलेशन कहलाता है और दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आते हैं क्लियर है बच्चों यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं आगे बढ़ते हैं अपन इस क्वेश्चन को देखिए

कब कब तुमको तुमको करना है है उसको देखना है? और कैसे उसको मैनेज करना है बिल्कुल को भी वैसे के वैसे के कर सकते हो जैसे आप मैसेज को करते हो आपके पास जो मैसेज आता है आपकी मर्जी आप तब तो देखो उसको आपकी मर्जी आप उसको कहीं पर भी यूज कर लो आपकी मर्जी आप उसको कहीं पर भी शेयर कर दो तो बच्चों यहाँ पर यूजर कैपेबिलिटी है क्या मेल के मामले में भी बिल्कुल है वॉइस मेल एक तरीके से यह है कि कोई व्यक्ति अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको वॉइस मेसेज छोड़ सकते हो वॉइस मेल है तो दोनों कथन बिल्कुल सत्य है आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों ऑफ द इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या नहीं चाहिए बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने वीडियो कैमरा चाहिए बिल्कुल चाहिए डिस्प्ले डिवाइस चाहिए बिल्कुल चाहिए बच्चों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो तो दिखना भी तो चाहिए माइक्रोफोन uh, चाहिए बिल्कुल आवाज भी तो जानी चाहिए टेलीफोन की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे पास टेलीफोन नहीं है लैंडलाइन फोन नहीं है तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होगी क्या होगी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों टेलीफोन की कोई जरूरत नहीं है नेक्स्ट लेकिन वीडियो कैमरा चाहिए डिस्प्ले डिवाइसेज चाहिए डिस्प्ले डिवाइसेज जैसे डेस्कटॉप लैपटॉप आपका स्क्रीन जो भी है माइक्रोफोन आपको चाहिए आवाज आने के लिए वीडियो कैमरा चाहिए आपकी फोटो लेने के लिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है बच्चों कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करवाता तो बच्चों गो टू मीटिंग तो बिल्कुल है मीट आपने नाम सुना होगा वेब भी है बच्चों सिस्को का स्काइप भी है बच्चों माइक्रोसॉफ्ट का एजोर बच्चों ये कह? ये, है, ये है, है, clear, क्या है आपका क्लाउड है याद रखिए ये क्या है क्लाउड है याद रखिए किस क्लाउड है क्लियर एजोर क्या है बच्चों क्लाउड है ये याद रखना नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा नेक्स्ट विथ ऑफ द एक कंप्यूटर से ऑनलाइन वस्तुओं को खरीद खरीदते समय या एक स्टोर से कुछ खरीदने के लिए एक स्मार्टफोन का प्रयोग करके निम्नलिखित में से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक लेन देन करने के लिए किया जा सकता है देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं लेकिन जब अंडरलाइन कर करके आप पढ़ोगे सर माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है एजियोर बिल्कुल एजियोर क्लाउड है किसका माइक्रोसॉफ्ट का क्लियर माइक्रोसॉफ्ट का नेक्स्ट आगे बढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज टू मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन विच ऑल द्लोइंग ट्रांजेक्शन वाइल परचेजिंग आइटम ऑनलाइन विद ए कंप्यूटर और यूजिंग ए स्मार्टफोन टू परचेज समथिंग एट ए स्टोर क्लियर आपको किसी स्टोर से अगर कुछ खरीदना है तो इनमें से क्या यूज करोगे ठीक है तो एक कंप्यूटर से ऑनलाइन वस्तुओं को खरीदते समय या ऑनलाइन भी खरीद सकते हो या एक स्टोर से कुछ खरीदने के लिए एक स्मार्टफोन का प्रयोग करके में से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक लेन देन करने के लिए किया जा सकता है का का नहीं कर सकते आप। का कर सकते सकते आप आप डिजिटल हो तो क्योंकि फोन पे, पे 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 गूगल गूगल पेटीएम इन सब में अपने अपने होते हैं तो उनमें अगर पैसा है तो वहां से ट्रांसफर कर सकते हो चेक का किसी दुकान पे चेक कैसे करोगे ऑनलाइन कैसे करोगे कैश पेमेंट का तो ऑनलाइन में कैश पेमेंट कैसे होगा दुकान पे तो कर सकते हो यह बात अधूरी है लेकिन डिजिटल वैलेट दोनों जगह काम आ सकता है क्लियर आपका आंसर क्या हो जाएगा बी यादura सकते हैं ऑनलाइन में ये नहीं कर सकते लेकिन हां दुकान पे आप कर सकते हो क्लियर तो इसका आंसर आ जाएगा डिजिटल वॉलेट नेक्स्ट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ई-कॉमर्स ई-कॉमर्स की क्या एडवांटेज है ई-कॉमर्स e का एडवांटेज क्या सर अठारह क्यों चार नंबर के क्वेश्चन में देख लेंगे एक बार उसकी रैंक एक डाउन हो गई शायद देखता हूं मैं एक बार गुप्ता जी एक बार वापस देखता हूँ गलत पढ़ लिया होगा वो वॉट इज द एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स इज प्राइवेट बिल्कुल ई कॉमर्स प्राइवेट है secure? Secure है fast है है सिक्योर सिक्योर बिल्कुल बिल्कुल फास्ट फास्ट अलाउ वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन बिल्कुल सही है क्लियर एनकरेज प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज ये भी बिल्कुल सही है क्लियर एनकरेज प्रोडक्शन बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज परमिट्स इंटरनेशनल ट्रेड विदाउट टू मेनी रेगुलेशन हाँ ये भी थोड़ा थोड़ा ठीक है और प्रोटेक्ट बोथ द सप्लायर एंड कंज्यूमर ये भी ठीक है लेकिन इसमें से बेस्ट ही देना है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है ऑल ऑफ द तो आंसर सही यही है बच्चों इज प्राइवेट सिक्योर फास्ट एंड अलाउ वर्ल्ड वाइड वाइडिटिशन क्लियर तो अभी तक मैंने तीस क्वेश्चन समझाए क्लियर चलिए एक क्वेश्चन के ऊपर बच्चे का डाउट आया है कौन सा क्वेश्चन है फोर्थ फोर्थन फोर्थ में थोड़ा गड़बड़ है तो एक बार चेक कर लीजिए देख लेते हैं वापस क्या गड़बड़ हो गई इन ए ए क्लास ऑफ स्टूडेंट बॉय इज रैंक 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 एक लड़के की कौन सी है है ठीक है कोई दिक्कत नहीं वन थ्री बॉयज इज तीन पहले कितने थे पच्चीस अब तीन ने और कर लिया टोटल कितने हो गए अट्ठाइस नेक्स्ट इज रैंक वाइज ड्रॉप्ड बाई वन अच्छा इसकी रैंक एक कम हो गई कम होने का मतलब नो नहीं हुई ग्यारह हो गई इलेवेंथ रैंक हो गई इसकी कौन सी रैंक हो गई इलेवंथ क्योंकि किसकी रैंक और डाउन आ गई है ठीक है बच्चों क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ थी तो बी की जो रैंक है वो कितनी है ग्यारह है और यहाँ पर कितने लोग है टोटल अठाइस अब पीछे से रैंक क्या है तो बच्चों अट्ठाइस की जगह लीजिए लीजिएस में से ग्यारह तो कितने हो गए अठारह अठारह आंसर आएगा इसका क्लियर सही कर लीजिए क्योंकि इसकी रैंक बड़ी नहीं है बढ़ जाती तो क्या हो जाती क्वेश्चन को पढ़ने का अंतर है बढ़ जाती तो नौ हो जाती है अब इसकी रैंक ग्यारह है क्योंकि एक डाउन हो गई है तो आंसर एटीन आएगा इसका क्या आएगा एटीन क्लियर वेरी गुड बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन में एक दिक्कत हो गई थी उसकी रैंक डाउन हुई है डाउन हुई है तो बच्चों दस का ग्यारहवीं रैंक हो गई क्लास में उसकी रैंक की ग्यारहवीं हो गई उसकी रैंक की ग्यारहवीं हो गई समझ में आ गया तो अट्ठाईस में से अगर उसकी रैंक शुरू से ग्यारह है तो पीछे से उसकी रैंक कितनी है अठारह क्लियर एक बार कमेंट कर दो आज का सेशन समझ में आ गया क्या लेकिन बच्चों अभी थोड़ी स्पीड कम रही कल स्पीड थोड़ी और बढ़ाएंगे क्लियर एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया आज थोड़े मैथ के टॉपिक ज्यादा थे मैथ के क्वेश्चन ज्यादा थे मैथ रीजनिंग के पेन खींच गए कल अब बाकी के कंप्यूटर के जीके के आएंगे तो थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे ठीक है बच्चों कल मिलते हैं वही फाइव थर्टी के ऊपर